सरकारी योजना के इस सीरीज़ में बीन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना नाम जो है जॉब लिस्ट में कैसे देख सकते हैं और नौकरी सूची में नाम देने के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, तो आप पूरा स्टेप जो है आपको यहाँ पे हम बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, आपको हमारे चैनल में आईटीआई की क्लासेस के साथ साथ और भी बहुत सारी सरकारी योजनाएँ जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, इसके लिए जो है आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, देन यहाँ पे अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस जो आपको ज़मीन जायदाद प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरी डिटेल में हमने यहाँ पे बात कर रखी है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अपने चैनल में डिस्कस कर रखा है, अगर आपने ये सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आप घर बैठे बैठे जन्म प्रमाण पत्र आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी सरकारी नौकरी का ब्यौरा जो है हमारे चैनल के थ्रू पा सकते हैं। सो दोस्तों, जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपकी मनरेगा में कोई भी समस्याएं हैं या शिकायतें हैं तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों आपको हमारे चैनल में दिए गए इस वीडियो के नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो है लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है जहां से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप बहुत सारी सुविधाएं जो है हमारे चैनल के थ्रू पा सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम जो है खोल लेना है, वहाँ पे टाइप करना है मनरेगा योजना। दोस्तों, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। आपको जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो है क्लिक करना है, पहला ही ऑप्शन जो शो करेगा। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो कुछ इस प्रकार का नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है पूरे आपके गांव की जितनी भी पंचायत है उसमें कितना पैसा जो है इसके तहत दिया गया है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मालूम चल जाएगी, आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। अब जॉब कार्ड में अपना नाम देखने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड जाना है और यहाँ पे जॉब कार्ड का ऑप्शन शो करेगा, इसको जो है क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप जॉब कार्ड को क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका जो है नया प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे मैं जॉब कार्ड को क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो है आपका पूरा आ जाएगा। और यहाँ से दोस्तों, आप क्या है कि पूरा जितने भी स्टेट हैं हमारे देश में, जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य का जो है ब्यौरा पा सकते हैं। जहाँ पे देखिए, जैसा कि आपका जो भी राज्य है यहाँ पे अपने राज्य को क्लिक कर दीजिए। एक डेमो लेके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है एक स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है एक स्टेट को सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो बिहार जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आएगा, कौन से साल के लिए आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 2021 और 20 का देखना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए, जो आप भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसको जो है आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद कौन सा ब्लॉक है आपका, ब्लॉक जो भी है आप अपने ब्लॉक को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो पंचायत को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पंचायत को सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको प्रोसीड को क्लिक करना है। देन दोस्तों, आप जैसे ही प्रोसीड पर जाएँगे तो देखेंगे आप यहाँ पर सबका नाम, जॉब कार्ड के नंबर के साथ साथ नाम भी यहाँ पर आपको शो करेगा। दोस्तों, आप जो है इस प्रकार अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं आपके गांव में या फिर आपके ब्लॉक या पंचायत में जो भी लोग काम करते हैं इस जॉब कार्ड के सहित या फिर इस लिस्ट के अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं उनके नाम जो है यहाँ पे शो करेंगे। आप अपना नाम भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिनके नाम यहाँ पर है और वो जो है काम नहीं करता है, तो आप जो है उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे चैनल में एक वीडियो अपलोड है, तो आप जो है वहाँ से शिकायत भी कर सकते हैं। देन दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितने पैसे इनको मिले और क्या क्या, कितने दिन का काम था, कितना कहाँ पे काम था, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आप जानेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेम और जॉब कार्ड नंबर लिखा हुआ है, तो आप जो है किसी का जॉब कार्ड नंबर जो है यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जो है आपका जॉब कार्ड आ जाएगा, जहाँ पर दोस्तों इस प्रकार जो है जॉब कार्ड होता है। यहाँ पे जो है आपका जॉब कार्ड नंबर सहित आपका नाम, यहाँ पे आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, विलेज पंचायत, देन यहाँ पे अगर आपकी फ़ोटो है तो आपकी फ़ोटो भी रहती है। आपका यहाँ पे आपके जो डिटेल रहता है कि आपके घर में कौन कौन से लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं, आपने कौन सा पोस्ट ऑफिस का नाम दे रखा है, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर दिया रहता है। देन दोस्तों, अगर आप नीचे जाएँगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि
कौन सा काम जो है कितने दिन के लिए आया हुआ था और आपने जो है कितना दिन काम किया है। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे 14 दिन का था तो 12 दिन आपने काम किया है। अगर आप नीचे इसके और जाएंगे तो आप कौन से किस मतलब कितना दिन का टोटल काम था, आपने कितना दिन किया और कहाँ पर किया, ये सारा ब्यौरा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डेट भी बताया गया है कि 14 दिन का काम था, आपने 12 दिन काम किया और कौन से तारीख से लेके किस तारीख तक आपने काम किया, कहाँ पे काम किया, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको यहाँ पे डेट के सहित मालूम चल जाती है। देन दोस्तों अगर आप और नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपका जो है कितना पैसा जो है यहाँ पे मिला है, इसके तहत आप जो है कितना पैसा इसको आपको जो है दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका जो लास्ट काम था उसको आपको 2010 रुपये जो है यहाँ पे दिया गया है टोटल। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है पैसा के साथ साथ आप अपना तारीख भी देख सकते हैं कि आप जो है कितने दिन यहाँ पे काम किए हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस जॉब लिस्ट में अपना नाम डलवाना चाहते हैं तो आप जो है अपने ग्राम पंचायत से या फिर ग्राम पंचायत का जो भी है उससे जो है आप बात कर सकते हैं, आपका नाम वहाँ से जुड़ जाएगा। मान लीजिए अगर ग्राम पंचायत आपका जो भी प्रधान है वो प्रधान जो है आपका नाम नहीं ऐड कर रहा है तो आप जो है शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। आप जो है नोडल ऑफिसर या फिर जो सेक्रेटेरिएट होता है उनसे जो है आप शिकायत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए